जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री राधा बाबा जी की पुस्तक से विषय घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस दिन भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाता है उस दिन कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। हम लोगों के अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए मन में तरह तरह की बातें उठा करती हैं। अवश्य ही घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने अपनी अहेतु की दया से आपको इस ओर प्रवृत्त किया है वे ही आगे भी बढ़ाते जाएंगे। विश्वास रखिए, भगवान अपने नाम मात्र के भक्त पर भी प्रेम की अनंत धारा किसी न किसी दिन बरसा ही देते हैं। बाँट देखते रहिए, आपके जीवन में भी ऐसी ही बात होगी। क्योंकि आपके भगवान की शरण ली है, फिर चाहे अपूर्ण भाव से ही शरण ली हो, उनकी शरणागत वत्सलता कितनी दिव्य है इस बात की हम लोगों को कल्पना भी नहीं कर सकते। वह जागतिक मन की कल्पना के अतीत हैं। बस उनकी कृपा से ही उस शरणागत वत्सलता के दर्शन कर निहाल होने की आशा में जीवन काटते जाइए। सर्वेश्वर एवं दयामय की शरण लेने के पश्चात किसी प्रकार की चिंता नहीं रहनी चाहिए। मनुष्य की यह एक भूल होती है कि वह अपने को भगवान का शरणागत समझता है तथा साथ ही साथ भविष्य में मेरा क्या होगा इस प्रकार की चिंता भी करता है। सच्ची बात यह है कि मनुष्य रत्ती भर भगवान को समर्पण करने की तैयारी कर लेता है तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बच जाता। अतः भविष्य की चिंता मन में ना आने पाए, बल्कि यह चिंता हो कि अपनी ओर से तैयारी में त्रुटि तो नहीं हो रही। भगवान जिस तरह रखेंगे उसी तरह रहने में पूर्ण संतोष रखना चाहिए। इस प्रपंचिक जगत के हेर फेर से इस बात का पता नहीं लग सकता कि भगवत कृपा का पात्र कौन है। कोढ़ी सबसे अपमानित, सबकी नज़रों में गिरा हुआ, लोगों की दृष्टि में पापी नाम से प्रसिद्ध, सबकी घृणा का पात्र, भूख प्यास से कहराता हुआ भी भगवत कृपा का पात्र हो सकता है। फिर उसे कोई जाने या ना जाने, भगवत कृपा को प्राप्त करने वाले संत लाल कपड़ों में ही हो यह बात नहीं है। उजले कपड़ों में छिपे हुए आज भी कितने संत भारत की भूमि को पवित्र कर रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं। बस पूर्ण समर्पण की अपनी ओर से तैयारी करते रहें। जय श्री राधा माधव।